हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवा क्लाइमिंग 247। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि पंचायत सहायक पंचायत गेटवे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन कैसे करेंगे और उसमें जो आईडी पासवर्ड जो हमें यूज करना है वो हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एकदम लाइव प्रूफ आपको करके दिखाने वाले हैं और हर एक स्टेप आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है पंचायत गेटवे। उसके बाद सिंपली हमें इंटर कर देना है। जैसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे, सबसे पहले हमको सबसे ऊपर वाली साइट को ओपन करना है। सिंपली हम जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देख रहे हो मिल जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है नीचे वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है आपको यहाँ पर ओपन शो करेगा, सिंपली आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, ये कुछ देर बाद इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओपन शो करेगा, आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड फिल करना है। अब बात यहीं पर आती है कि हमको आईडी पासवर्ड में क्या डालना है। तो जैसा कि हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि हमको अपने यूज़र आईडी में अपने ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड डालना है और पासवर्ड में हमें 1 2 3 4 5 6 ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, इसको हमें यूज करना है। ठीक है, अब कुछ लोग का ये क्वेश्चन होगा कि हम एलजीडी कोड कैसे पता करें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम अपने ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड कैसे निकालें। तो सिंपली हम यहाँ पर यूज़र आईडी में अपने ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड डाल देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। सिंपली हमें इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक बार और हमको यहाँ पर अलाउ करना है। अब हमारा पंचायत गेटवे एप्लीकेशन लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ को आपको स्टार्ट क्यूआर स्कैन पर करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, जैसे नॉट ऑथराइज लोकेशन, प्लीज़ गो टू ग्राम पंचायत। तो क्योंकि अभी हम अपने ग्राम पंचायत से बाहर हैं तो यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप अपने ग्राम पंचायत में होकर ये चीज़ करेंगे तो सिंपली एकदम से सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते वीडियो पसंद आएगा, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले जय हिंद।